आपने अभी रशियन फैकल्टी ऑफ रशियन लैंग्वेज चूज हमें पढ़ाई करने का आपने चूज किया, तो आपके साथ में वहाँ पे रशियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए और कोई इंडियन मैंने स्टूडेंट है क्या, फॉरेन कंट्री से और भी वहाँ पे आपके कॉलेज के अंदर बच्चे हैं, या सिर्फ आप एक अकेले इंडियन हो क्या, बाकी भी कंट्री के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए है रशियन लैंग्वेज की? हाँ, पॉम स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, चाइना से, कोरिया से, बहुत सारे कंट्रीज से, इजिप्ट से, अरब से, काफ़ी सी कंट्रीज से बच्चे पढ़ने आते हैं इस यूनिवर्सिटी में। और अगर मैं रशियन लैंग्वेज कोर्स की बात करूँ जिसमें मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, उसमें सिर्फ उसमें चाइना से बच्चे हैं, मोरक्को से बच्चे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है उनके साथ भी, और टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। और बाकी जो अदर कोर्सेज हैं उनमें काफ़ी बहुत बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा लगा, कॉलेज की बिल्डिंग वगैरह कैंपस वगैरह आपको कैसा लगा? कॉलेज की बात करें तो ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, हाँ, पूरी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छा कैंपस है। अंदर ही फाउंटेन है, बोटैनिकल गार्डन है, और आप सबसे बड़ी बात, अभी अभी रिसेंटली यस्टरडे 105 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को? को, तो हाँ काफ़ी पुरानी और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, और कल हम एक्सकर्शन के लिए भी गए थे, यहाँ पे आइस केव है एक नियर बाय विलेज में, कुंगूर में। कुंगूर में, तो वहाँ पे हमारे साथ इंग्लैंड के बच्चे भी थे, इजिप्ट तो के। आपने जैसे बोला कि आपका जो कोर्स है तो 10 महीने का कोर्स है, तो जी उसके अंदर आपकी फ़ीस कितनी है, तो आपको फ़ीस कॉलेज के अंदर कैश में देनी है या सिर्फ DD से देनी है, उसका प्रोसेस वगैरह क्या है? तो आपका पूरा कॉलेज का जो फ़ीस वगैरह है, इंश्योरेंस है, तो कॉलेज का कितना खर्चा आएगा आपको, उसकी थोड़ा बता दीजिए। यूनिवर्सिटी फीस की बात करें तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स की फीस है 80,000 रूबल। हाँ एंड अगर आप हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टल भी बहुत ही अफोर्डेबल है, 30,000 रूबल के आसपास हॉस्टल है, 10 महीने का? जी 10 महीने का, हाँ 30,000 रूबल्स, हाँ काफ़ी अफोर्डेबल काफ़ी है। अफोर्डेबल। रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई फीस नहीं है, और इस मेडिकल इंश्योरेंस भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे। 15,000-10,000 अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट का, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है। तो यू कैन से अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपका 1 लाख, अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपए या 1 लाख रूबल में आपका सब हो जाएगा। हाँ जी, जब आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी को आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ रहते हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। जब भी आप पॉम या रशिया में एंटर होते हो एज अ स्टूडेंट, तो आपको विद इन 7 डेज आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, चाहे आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं, कहीं भी आप रहें तो आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मुझे अपार्टमेंट जल्दी ढूंढना था, तो दीपक भाई ने मेरी हेल्प की ढूंढने में, और इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट दिया, जैसे यहाँ पर एजेंट्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स, उन्हीं के थ्रू ही आपको अपार्टमेंट मिलना, जल्दी अगर आपको अपार्टमेंट चाहिए तो आपको एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा जो हमारे लिए फ्लैट या अपार्टमेंट जो भी ढूंढेगा, तो वो डायरेक्टली एजेंट ओनर से बात कर लेता है पहले कि हाँ, इस बच्चे, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें उसी हिसाब से आपकी लोकेशन के, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोकेशन पे अपार्टमेंट दिखाता है। अगर हम एक्स्ट्रा लिविंग कॉस्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी नॉमिनल है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था अगर आप कैश से पेमेंट करें तो 26 रुपये गिर जाएगा, जी अगर आपने कार्ड से यूज़ किया स्विफ्ट बैंक का, नहीं तो टिंकॉफ का कौन सा भी कार्ड यूज़ किया तो आपको 24 गिर जी जाएगा। जी कहते हैं रजिस्ट्रेशन होने का फ़ायदा क्या है, हम बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, हम टिंकॉफ एक एप्लीकेशन है उसके, उसका भी हम कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, उनसे हम डायरेक्टली कहीं भी हम शॉपिंग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, उनसे हम डायरेक्टली हम पेमेंट कर सकते हैं। और कार्ड से पेमेंट करने का फ़ायदा यह है, जैसे कि हम अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमारे 26-27 रूबल लगते हैं, बट कार्ड से हमारे 24 रूबल लगते हैं, तो सस्ता सस्ता पड़ता है, माइनर सा है बट अच्छा है फिर भी। और फूड की बात करें तो फूड भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया के मुकाबले, यहाँ पे मिल्क वगैरह सब सब कुछ मिलता है, फ्रूट्स वगैरह सब अच्छा है, और कोई प्राइस की बात करें तो मतलब सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सुबह जल्दी से फटाफट ऑमलेट वगैरह बनाया ब्रेड से, अच्छा नाश्ता कर लेते दूध वगैरह से, तो मुझे लगता है कि 4,000-5,000 अप्रॉक्सीमेट इतना फूड वगैरह का और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में इतना हो हो जाएगा। जाएगा। जी एक बार आप बता दीजिए कि एडमिशन का प्रोसेस तो आपने बता दिया, लेकिन एडमिशन कैसे लेने, एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि आपने कुछ बैचलर्स भी किया था, हॉस्टल मैनेजमेंट भी किया था सिंगापुर के अंदर, तो
आपके जो पुराने एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ में लाए होंगे, जी तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एक बार वो बता दीजिए। सबसे पहले तो हमें, अगर आपको रशिया में स्टडी करनी है तो आपको यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करनी होगी कि हाँ मुझे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो जब आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली, इस यूनिवर्सिटी में की बात करूँ मैं अगर पॉम स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे एडमिशन लेना काफ़ी इजी था, मतलब प्रोसेस काफ़ी इजी था। मैंने डायरेक्टली मेल किया यूनिवर्सिटी को, इंटरनेशनल फैकल्टी को, तो उनसे मैंने बात की कि मुझे रशियन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे रशियन सीखने में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स की फॉर स्कैन कॉपीज़ मंगवाई, तो मैंने उनको अपने ग्रेजुएशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की सबकी कॉपीज़ उनको फॉरवर्ड की। और उसके बाद उन्होंने 2 से 3 दिन में ही उन्होंने मुझे इनविटेशन लेटर, रिक्वायर्ड होता है इनविटेशन लेटर आपको वीज़ा के लिए चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने इनविटेशन लेटर मुझे सेंड कर दिया, इनविटेशन लेटर के साथ साथ एडमिशन लेटर भी दिया उन्होंने मुझे, ठीक है, तो उसके तो, सारे आपको फिर वीज़ा मिल गया होगा जी। उसके बाद सीधा हमें वीज़ा अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद वो आपको एडमिशन लेटर वो आपको कन्फर्म कर देते हैं कि हाँ हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं हाँ? या नहीं। एक्सेप्ट करने के बाद वो हमें एडमिशन लेटर दे देते हैं, और इन्विटेशन लेटर में थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीने के आसपास लग ही जाता है। तो जैसे ही एडमिशन इन्विटेशन लेटर आता है, आप डायरेक्टली रशियन वीज़ा सेंटर दिल्ली में जा सकते हैं। अपना आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 18 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, और HIV नेगेटिव सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। आप न्यू दिल्ली से मैंने जैसे वीज़ा अप्लाई किया था, आप अपने नियरेस्ट रशियन वीज़ा सेंटर में जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी, वीज़ा के प्राइस वगैरह क्या रहता है, अगर अर्जेंट में कितना है और नॉर्मल अगर पास टाइम है तो उनके लिए कितना होगा प्राइस? नॉर्मली अगर आप 14 डेज लगते हैं वीज़ा के लिए, और उसमें प्राइस अप्रॉक्सीमेट है 11 to 12,000 rupees। एंड अर्जेंट में अगर आपको करवाना है 3 दिन में वीज़ा आ जाएगा, उसमें 6,000 एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रशियन वीज़ा सेंटर के वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रिंट निकाल के उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके आप भर के लेके जाइए, उस पर फोटोग्राफ लगा के लेके जाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये बात, तो मैंने रशियन वीज़ा सेंटर में जाके ही फॉर्म फिल किया, तो वहाँ से थोड़ा एक्सपेंसिव लगा जी। तो आप सब लोगों ने देखा कि पंकज भाई यहाँ पे आया, अभी वो पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है, रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई करना चाहता है रशिया के अंदर कौन से भी कॉलेज के अंदर, तो आप भी आ सकते हो। जो आप भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की, पंकज भाई ने बताने की कोशिश की, क्योंकि उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है सब लोगों को पता है। रशिया के अंदर लोग जाते हैं सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रशिया का इंप्रेशन ऐसा है कि अगर रशिया में अगर कोई इंडियन स्टूडेंट आ रहा है तो वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आ रहा है। मैंने ऐसा पहला बंदा देखा, क्योंकि 5 साल के अंदर क्योंकि कोई मेडिकल के अलावा भी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहा करके। हाँ, रशियन लैंग्वेज के कोर्स इंडिया में भी हैं, हाँ है, बट आप जब इन्वायरमेंट में रहोगे, हाँ, आप जल्दी सीखोगे, हाँ, सीखना है अगर आपको, अगर आपको रशियन सीखने में इंटरेस्ट है और काफ़ी जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप रशिया में आके रशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक, सो आई होप दोस्तों कि आप सब लोग को वीडियो हेल्पफुल हो सके, जो कुछ भी रशिया के अंदर आना चाहते हैं, रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो पंकज भाई थैंक यू सो मच कि आपने आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, और सबसे बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मुझसे जुड़े और आप यहाँ पे आए, अपनी बातचीत उसी से शुरू हुई, तो मैं बहुत ही मुझे खुद अच्छा लगा कि अपने यूट्यूब चैनल से किसको फायदा हो रहा है, किसको हेल्प हुई, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं मतलब कभी मिले नहीं किसी से, आप सिर्फ इंस्टा पे बात हो रही है, और जब मैं यहाँ पे आया तो इतना अच्छा लगा मुझे भाई से मिलके, और काफ़ी फ्रेंडली नेचर है इनका, और काफ़ी हेल्पफुल, मतलब बता नहीं सकता कि कितना इजी प्रोसेस रहा मेरा। वैसे अगर आपका कोई जानकार ना हो तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं, हम क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कौन सी बस लेनी है, कहाँ से, क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं मेडिकल स्टूडेंट जो कुछ भी यहाँ पे आता ना उनको कंसल्टेंसी थ्रू आते ना, तो उनको पता रहता कि उनको कहाँ बस एयरपोर्ट से उनको उनके सिटी तक बस लेने को आती है, एयरपोर्ट पे वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए सीनियर मेडिकल स्टूडेंट रहते, तो आपके लिए तो ऐसा कोई नहीं था ना, क्योंकि आप तो एकदम नए आए थे ना, इसलिए आपको अलग एक्सपीरियंस था आपका, क्योंकि मेडिकल वाले
जो स्टूडेंट है उनके लिए सब उनका सिस्टम तैयार रहता है ना कि आप एयरपोर्ट पे आओगे, अगर सिटी रहेगी आपको आपको बस लेने को आएगी, तो आपके कंसल्टेंसी के लोग आपको लेने को आएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए ऐसा कुछ था नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जो जोश था पढ़ने का कि हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे जो कुछ भी होगा, जो एक्साइटिंग जो नेचर था आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव फन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दस विदानिया। दस विदानिया।